Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं class 10th के English के chapter The 100 Dresses part 1 के question answer को लेकर आई हूँ. आप सभी को पता है कि chapter क्या है, क्या कहना चाहते हैं, लेकिन सभी बच्चे फंसते हैं question answer कैसे लिखें. ये सबके साथ problem रहा है. मैंने भी इस situation को face किया है कि question answer लिखते कैसे हैं. मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड किया है क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ग्रामर पोर्शन के ऊपर, चैप्टर लिटरेचर क्लास 10th 12th. आप मेरे चैनल पर जाकर चेक करें. अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें. कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ लें. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का ये क्वेश्चन आंसर है. वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सिट. मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्या है ये चैप्टर. वांडा नाम की एक लड़की है जो कि बॉगिंग्स हाइट में रहती है. एक बहुत ज्यादा समृद्ध इलाका नहीं है वो, थोड़ा लो क्वालिटी का एरिया है वो, वहां पर वो रहती है. तो उसके जो फ्रेंड्स हैं, इट मीन की फ्रेंड है ही नहीं उनके कोई, लेकिन जो भी उनके क्लासमेट्स हैं उनको टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन उसको परेशान करते रहते हैं. तो किस तरह से वो सिचुएशन से निकलती है, क्या जवाब देती है, इन सब के ऊपर ये चैप्टर है. क्वेश्चन आंसर से आप समझ जाएंगे. मैं पहले ही बता देती हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं. वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सिट. वांडा क्लासरूम में कहाँ बैठती है. वांडा यूज्ड टू सीट इन द नेक्स्ट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन क्लास रूम नंबर 13. ये एक बताया गया है कि वो कहाँ बैठती है. रूम नंबर 13 के लास्ट रो के सेकेंड लास्ट सीट पर वो बैठती है. रूम नंबर 13. सी सैट देयर बिकॉज हर फीट वेर नॉर्मली केक्ड विद ड्राई मड एंड वेर डर्टी. वो वहां इसलिए बैठती है क्योंकि प्रायः उसके जो पैर होते हैं, जूते होते हैं, वो गंदे हो रखे होते हैं. गंदे इन द सेंस कि वो पूरी तरह से मड यानी कीचड़ में लगे हुए रहते हैं उसके सूज, इसलिए वो पीछे बैठती है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट बाय हर क्लासमेट शी सिट्स देयर टू हाइड हर डर्टी फीट. तो बाकी चीजों से बचने के लिए कि उनके दोस्त उनको टीज ना करें, परेशान ना करें, उन पर हंसे नहीं कि वो इतने गंदे तरीके से स्कूल आती है, इन सबसे बचने के लिए वो जाके चुपचाप से पीछे बैठ जाती है ताकि कोई इसे ना देखे. कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू. इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के कारण बस, उन सब के मजाक से बचने के लिए वो पीछे जाकर बैठ जाया करती है. आप वर्ड्स को, टर्म्स को जरूर समझिए. कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए. सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज वांडा लिव. वांडा कहाँ रहती है. वॉट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इज. वांडा कहाँ रहती है और आपके हिसाब से वो जगह कैसा है जहां पर वो रहती है. इसका आंसर, Wanda lived at Boggins Heights. It seems that it was a place far away from the school and also where was a lot of dry mud, thereby indicating that it was not a very rich locality. जैसा कि मैंने बताया, उनका घर जो था Boggins Heights, वो पॉस इलाका नहीं था, वो इतना अच्छे क्वालिटी का घर नहीं था, रिच लोकैलिटी नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली टाइप घर था, और उधर गंदगी ज्यादा थी, इसलिए हमेशा पैर जो होते थे गंदे तरीके से हो जाते थे, सूज में कुछ ना कुछ लग जाता था, कीचड़ लग जाता था, इसलिए वो परेशान रहती थी. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस. पेगी और मैडी उनकी क्लासमेट्स हैं और सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी आप कह सकते हैं, उनके साथ आना जाना उनका था. तो कब और क्यों उसके एब्सेंस को उन्होंने नोटिस किया. दो तीन दिनों से वांडा स्कूल नहीं जा रही थी, तब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, एट सडन उन्होंने ध्यान दिया. तो ऐसा क्यों हुआ. इसका आंसर है, पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस आफ्टर 3 days, दैट इज ऑन वेडनेसडे, बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी विथ हर फॉर अ लॉट ऑफ फन. दे वेटेड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट शी डिड नॉट टर्न अप. देखिए यहाँ पर भी एक बात बताई गई कि वो लोग नोटिस किए जब वांडा 3 दिन से लगातार स्कूल नहीं आ रही थी. और क्यों नोटिस किए, वेडनेसडे को नोटिस किए, और क्यों नोटिस किए, क्योंकि वो वांडा का मजाक उड़ा सके, वांडा के साथ थोड़ी मस्ती कर सके. मस्ती वांडा नहीं इंजॉय करती थी, उसका तो सिर्फ मजाक उड़ता था, इसलिए उसको उन लोगों ने नोटिस किया कि वो नहीं आ रही है. वो दोनों जो लड़कियां थी उसका इंतजार इसीलिए करती थी ताकि वो कुछ फन कर सके, और वो नहीं आ रही थी तो एब्सेंस उनको पता चली. कोई कंसर्न नहीं था कि मेरी क्लासमेट 3 दिन से क्यों नहीं आ रही है, बस उनको यही था कि उसका मजाक उड़ा सके. ये था फोर्थ क्वेश्चन. अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन.
What do you think to have fun with her means? आपके हिसाब से किसी के साथ मजाक उड़ाना, उसके साथ मस्ती करने का मतलब क्या है इस चैप्टर के अनुसार? Wanda was a quiet and shy girl who was ashamed of dust-laden feet. Wanda एक चुपचाप रहने वाली, quiet का मतलब होता है चुपचाप रहने वाली, shy का मतलब शर्मीली लड़की थी, जिसे शर्म आती थी अपने पैरों में लगे गंदगी की वजह से. ashamed of का मतलब होता है शर्म आना. देखिए ashamed के साथ of preposition यूज हुआ है. आप ध्यान देंगे कोई कोई वर्ड्स preposition के साथ ही आते हैं, तो ashamed ज्यादातर of के साथ ही आता है generally. मैं ग्रामर पोर्शन को ऐड करूंगी, प्रीपोजिशन कंजंक्शन कैसे यूज होते हैं, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके. इसको आगे देखते हैं. द गर्ल्स यूज टू मेक फन ऑफ हर, लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी. दिस गिव देम अ लॉट ऑफ प्लेजर, देयर फॉर दे वॉन्टेड टू हैव फन विद हर. और लड़कियां जो मजाक उड़ाती थी, इससे उन लोगों को मजा आता था, उन लोगों को प्लेजर यानी सुखद आनंदित महसूस करती थी, और वो सिर्फ अपनी चाहत अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसके साथ मजाक करती थी, जो कि वांडा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था. ऑब्वियसली हम लोग छोटे क्लास में कोई मजाक उड़ाए टीज करे किसी को अच्छा नहीं लगेगा, यही है इस चैप्टर में. फिफ्थ क्वेश्चन, इन व्हाट वे वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि वांडा बाकी लड़कियों से अलग थी, बाकी बच्चों से अलग थी? इसका आंसर, वांडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. वांडा बाकी लड़कियों से इसलिए अलग थी क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, दोस्त नहीं थे, वो अकेले स्कूल आती थी और अकेले घर भी जाती थी, उससे कोई ढंग से बात नहीं करता था. सी ऑलवेज वोर अ faded blue dress that did not fit her properly. वो हमेशा एक रंगहीन कपड़ा पहनती थी ब्लू कलर का. फेडेड का मतलब होता है जिसके रंग भी अब खत्म हो रहे हो, खराब हो रहे हो, रंगहीन हो रहे हो, उस तरह की ब्लू ड्रेस पहनती थी जो कि उस पे सूट भी नहीं करते थे और फिट भी नहीं होते थे. अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी डिड नॉट टॉक टू एनीबॉडी, और बाकी बच्चों की तरह नहीं बल्कि वो किसी से बात भी नहीं करती थी. वो बात इन द सेंस इसलिए नहीं करती थी क्योंकि कोई उसे बात नहीं करता था, कोई उसे पसंद नहीं करता था, सब उसे टीज करते थे, तो वो किसके पास जाके बात करे. तो वो इस तरह से सभी बच्चों से अलग थी, वो अकेले हो गई थी बिल्कुल उस स्कूल में. क्वेश्चन नंबर 6, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, व्हाई डू यू थिंक शी सेड, क्या आपको लगता है कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस थे? अगर हाँ तो कैसे. एक बार हुआ क्या था कि सभी लोगों ने पूछा था कि तुम्हारे वार्डरोब में क्या है, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तो उसने एक ही बार में बोल दिया था मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं वार्डरोब में, मेरे अलमीरे में, और मैं उसे चेंज कर करके पहनती हूँ. इसका आंसर है, नो सी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज सी वॉज ए पुअर एंड वोर द सेम फेडेड ड्रेस टू स्कूल एवरी डे. नहीं, वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थे, वो तो गरीब थी और हमेशा तो एक ही कपड़े में स्कूल आया करती थी. सी हैड एन इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, वो खुद को कम महसूस कर रही थी, कम आंक रही थी लोगों के तुलना में. इन ऑर्डर टू हाइड द कॉम्प्लेक्स एंड इम्प्रेस द अदर गर्ल्स सी ऑलवेज सेड दैट सी हैड 100 ड्रेसेस. बाकी बच्चों के तुलना में वो कमजोर थी, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो उसको इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो इससे बचने के लिए और बाकी लड़कियों को प्रभावित करने के लिए उसने झूठ बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन उतने थे नहीं. ये था क्वेश्चन 6 का आंसर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 6. सेवेंथ क्वेश्चन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाई? हु डिड मैडी थिंक, मैडी को क्या लगता है कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है, एक बार इनके स्कूल में ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें लड़कों को कुछ बनाना था, लड़कियों को कुछ बनाना था, तो आपको क्या लगता है कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा? मैडी के अनुसार मैडी को क्या फील हुआ? मैडी थॉट दैट पेगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स. मैडी को लगा कि पेगी जीतेगी क्योंकि पेगी बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी और ड्राइंग के अलावा वो थोड़ी हाई फाई भी थी, उस तरह से वो रहती थी, तो सबको लगता था कि पेगी ही जीतेगी. She would copy a picture in a magazine or some film star's face so well that one could tell who it was. और ऐसा होता कि वो magazine से कुछ अच्छे posters निकालती film star के, तो सबको ऐसा लगता था कि Peggy ही जीतेगी. ये Maddie के अनुसार ये इसका जवाब था. Question number 8. Who won the drawing contest? What had the winner drawn? आखिरी सवाल कि ये drawing contest किसने जीता और ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता और जिसने जीता उसने क्या बनाया, मतलब विनर ने क्या बनाया था. तो लड़कों ने तो मोटर बोट्स बनाए थे, अब लड़कियों में
वांडा वोन द ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट. वांडा जिसको सब गरीब आंकते थे, जिसको लोग कॉम्प्लेक्स फील कराते थे, उसने ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट जीता. इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर हर. द विनर ऑफ ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट वॉज एप्रिशिएटेड बाई द जजेस एंड अपलॉडेड बाई हर फेलो क्लासमेट्स. जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था उसको बहुत सराहना मिली, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया जजेस के द्वारा, जो पैनल ऑफ जजेस थे उनके द्वारा, और जो उसके सहपाठी थे, जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने भी काफी पसंद किया. और उसने क्या बनाया था, उसने कलरफुल 100 ड्रेसेस बनाए थे, 100 फ्रॉक्स बनाए थे, 100 ड्रेसेस उसने तैयार किए थे. तो यही था जो उसने कहा था कि मेरे कपबोर्ड में 100 ड्रेसेस है, उसके वार्डरोब में तो उतने नहीं थे, लेकिन उन्होंने कागज पर, चार्ट पेपर पर उस तरह से 100 ड्रेसेस को प्रिपेयर किया और उसी से उसको जीत मिली. तो ये बिग विक्ट्री इसलिए थी क्योंकि सभी के मुंह बंद हो गए, जो उसको कम आंकते थे, कम समझते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उन लोगों को ये जवाब मिला कि वो विनर रही पूरे क्लास की. तो आज का वीडियो बस यही तक था. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में. आप मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मेरे चैनल पर बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें. थैंक यू सो मच.